पगले, ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। मुझे क्या पता है मेरी जिंदगी की आखिरी परफॉर्म, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि इंसान हर दिन मरता है, हर दिन जीता है। तो जब तक जिंदा हो तब तक जी लो और बेहतर तरीके से जी लो। मैं अपनी कमजोरी पूरी दुनिया को बताता हूं कि मैं कमजोर हूं, बट एक ताकत आप सब हमारी है, तो पूरी दुनिया में सबसे राजा मैं हूं। जिंदगी में आप लोगों का जिसको प्यार मिल जाता है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन दिल में रखिएगा हमेशा, मैं गरीब था लेकिन आपका आशीर्वाद पाने के बाद मैं सबसे अमीर हूं, क्योंकि मुझे पैसे से अमीर नहीं बनना, आपके दिल में अमीर बनना है मुझे। एक हनुमान जी का मैंने बहुत पहले गाना गाया था, भोजपुरी में सुनाऊ गुरु जी? भोजपुरी, भोजपुरी सबको आती है ना? हमको लगता है कि जहां फ्लाइट का रास्ता नहीं है वहां भी है ना भोजपुरी के लोग। छा जाओ, क्या करोगे, हमारी मजबूरी है यार, बिहार में रोजगार नहीं है बाबा। दुखी तो हम भी होते हैं क्योंकि उसी धरती से पैदा हुए, बट आपका आशीर्वाद हो गया है तो आज नहीं तो कल सब कुछ हो जाएगा। देखा बाबू, ये कम कहे सम्मान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। नाचना पड़ेगा, हम ऐसे दरबार में है ना कि अगर हम यहां नहीं नाचे तो पृथ्वी पे ऐसे ही फालतू में नाचना पड़ेगा। तो यहां नाचने का मोल है, यहां जो डांस होता है ना वो समझिए कि साक्षात स्वर्ग में हो रहा है। ये धरती स्वर्ग से कम नहीं, जहां खुद ही भगवान बैठे हो, जिनके अंदर, जिनके शब्दों में सिर्फ ईश्वर की वाणी हो। मैं जिंदगी में बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा का प्यार और आशीर्वाद बाकी, अब इससे बड़ा खेसरिया को का चाहिए जी। जिंदगी में इतना प्यार और आशीर्वाद में पहली बार बाबा से मिला तो मुझे लगा जे मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पिता है। इनके अंदर संत की कोई भावना ही नहीं है, इनके अंदर बस पिता का भावना है, जो हर आदमी को एक बेटे की तरह आशीर्वाद के स्वरूप हमेशा अपना प्रेम और मोहब्बत और सनातन की प्रचार करते हुए। जहां स्वार्थ होती है वहां प्रॉब्लम होती है, यहां तो सिर्फ मोहब्बत है। कि जिस देश में राम जन्म